फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किस कदर अब। और आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो सभी पेरेंट्स की है, मेरी भी ये प्रॉब्लम है कि सभी का बच्चा या फिर कुछ बच्चे दूध लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन बच्चों में मेरा ही बच्चा शामिल है, उसे दूध लेना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध के नाम से वो दूर दूर भागता है, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी और स्वस्थ रहे। वो अच्छा विकास तभी कर पाएगा अच्छी तरीके से जब वो कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। तो दूध के मामले में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं जो दूध पीना पसंद ही नहीं करते हैं। तो दूध को हम किस तरीके से, आप किस फॉर्म में दे सकते हैं जिससे कि वो दूध को पसंद करें? तो आज मैं आपको दो स्टेप ऐसे बताऊंगी किस तरीके से बच्चों को दे सकती हैं। आई थिंक आप मिल्क शेक के रूप में दे सकती हैं, और मिल्क शेक डिफरेंट टाइप में आता है या डिफरेंट वे में बन सकता है, जिस वे में भी बच्चे को पसंद हो, चाहे वो चॉकलेट मिल्क शेक हो, चाहे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो, चाहे ओरियो मिल्क शेक हो, आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को दूध दे सकती हैं इसमें ऐड करके। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और इसको तो अप्लाई मैंने किया है अपने बच्चे पे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप भी इसे अप्लाई करिए। जो मिल्क शेक के बारे में बात करूंगी वो है ओरियो मिल्क शेक। जी हाँ, इसे बनाना बहुत आसान है, इसको आप घर पे बहुत ही इजिली बना सकते हैं। और इसके लिए बस आपको ओरियो बिस्किट की जरूरत होगी, दूध की जरूरत होगी, और कुछ इंग्रेडिएंट, और मिल्क तो कंपल्सरी है। सो आप इसको कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए आपको बहुत अधिक इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले एक बाउल में आप ओरियो बिस्किट डालें और तोड़ दें। अब इसमें एक गिलास दूध और दो बड़ी चम्मच आइसक्रीम डालें। जी हाँ, आइसक्रीम तो डाल के जो टेस्ट आता है वो अमेजिंग होता है। और इसके साथ बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए। आप शीशे के खूबसूरत गिलास में इसे डालें और चॉकलेट सिरप से इसे सजाएं। तो आपको जो सही लगे वो आप डाल दीजिए, ओरियो कुकी भी डाल सकते हैं, और अपने बच्चे को दीजिए। देखिए वो कितने प्यार से पीता है। जी हाँ, इस ड्रिंक को पीते ही वो आपसे कहेगी आई लव यू मम्मा। सो सेकंड मेरा मिल्क शेक जो है वो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। जी हाँ, इसे बनाना बहुत आसान है, और इसको भी आप किस तरीके से बनाते हैं चलिए बात करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जितना आसान है बनाने में, उतना ही ये बच्चों की सेहत के लिए कमाल है। जी हाँ, इसे बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत की करने की भी जरूरत नहीं होती है, और आपका बच्चा इसे रोज मांगेगा। इसे बनाने के लिए आपको कम से कम एक कप पानी चाहिए और एक कप दूध चाहिए। उसमें आप वेनिला आइसक्रीम डाल दीजिए, 6-7 स्ट्रॉबेरी, और चीनी की अगर वो डिमांड आपको लगती है या बच्चा चीनी पसंद करता है तो आप चीनी डालकर उसे दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप मिक्सी ब्लेंडर में सभी चीजों को डालकर इसको अच्छे सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर दे, और इसके बाद आप उसको एक ग्लास में डालकर सर्व करें स्ट्रॉबेरी की कुछ प्यारी प्यारी कटिंग के साथ और कुछ चॉकलेट सिरप के साथ। देखिए बच्चा कितने प्यार से लेता है। तो ये आप अपना सकते हैं अपने घर में मिल्क ड्रिंक को, जिससे बच्चा जो है इन मिल्क शेक के द्वारा दूध को लेना पसंद करने लगेगा। तो आप भी अगर अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम से परेशान है तो प्लीज आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा करिए। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा, और अपने सुझावों को भी कमेंट्स के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर मिलते हैं इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।